पंचायत रास्ता में दो गुटों में आपसी विवाद में कई समय से चल रहा है। शनिवार को एक का गुट ने तहसीलदार बिलावर पंकज शर्मा पर कुछ गंभीर आरोप लगाए गए थे। उनका कहना था पंकज शर्मा ने कुछ बुजुर्गों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, किंतु आज दूसरे पक्ष के लोगों ने जिनमें से 80 साल का बुजुर्ग भी शामिल था, उनका कहना था तहसीलदार पर जो भी आरोप लगे हैं वह बेबुनियाद है। तहसीलदार ने जो भी फैसला किया था वह बिल्कुल सही फैसला था। इस बात को लेकर आज रविवार को उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया। सर के ना थोड़ा सर केड़ी जगह तो आए थे मैं तो सर ऐसी केड़ी नौ बताइए कि आज तुसी इतवार वाले दिन भी मतलब साढ़े कोल आए हो कि सर केड़ी की गल हुई दी है गली है वे तकलीफ है मारे आए हां तकलीफ है कि तानाशाही बड़ी चले दी है साडे तहसीलदार साहब बलौर जेड़े ना बड़े अच्छे बड़े हानिस ईमानदार इयो दे बंदे मेरी 80 प्लस उम्र हुई थी बड़े अच्छे इतवा दे साहब तो है तहसीलदार साहब लेकिन इस वेले साढ़े ग्रां दे विच मैं जनाब 2002 च सरपंच रहा छे साल उहदे बाद सेहत ठीक नहीं हां खतरनाक जबरदस्त और भी खतरा इस घर खतरा सर पिछले कल कोई मसला होया और उन्हें तहसीलदार साहब के बारे में नारेबाजी की गई। एक इल्जाम भी उन्हें ऊपर लाया गया कि उन्हें 92 साल के एक बुजुर्ग ऊपर हाथ मतलब उन्हें धक्का दिता जा कुछ उन्हें कुछ गाली गलोच किया कुछ इो जहा भी वीडियो चाहता सर ए बारे के बोलना चाहने तुसी सही गल है सही गल है तहसीलदार साहब ने कुछ इो जहा काम किया उधर जाइए हां जी सर हूं पूरा मसला मी दस्यो जनता सब साढ़े कन्ने ये झूठ बोलते न ठीक है तुहाडे जनता किन्नी चाहिए तहसीलदार साहब जी ये जेडे गरीब लोग ये जेडे बेचारे एससी कोटे दे लोग इंदे कन्ने इन्नी जाति हो करदी है इहदा कोई हिसाब नहीं तुहाडे जनता ये सारे मजबूर न और एक ऐसे हीरा किस्म का तहसीलदार मिलिया अज उन्होंने जावर न ये बदमाश न इस मुड़े की मां जी किली उठे जिंदी स्कूल रोटी पकड़ी अस ये खतरे उस कतल कर सकते कलेर है तहसीलदार मानदार बंदे ने तहसीलदार होना अच्छी गल दसी कोई कुछ ने सियाने बुजुर्ग ने कोई कुछ धक्का शाही नहीं हुई अच्छे आदमी ने कूल का मसला भी देखा सारे लोग सारा अगे रोड बंद है झेल क्यों दिता मां जी झेल साड़ी वजह कने लगता झेल क्यों अस अगे अस चीज ने अस अगे रस्ता नहीं है बिल्कुल चलने रस्ता नहीं है सिर्फ दो घर रस्ता है ये दो घर ने जे धक्का शाही कने चला दे अस कोई चलने भी रस्ता नहीं है अस कनक अज भी कुटी कटी है दंद ने कहने सर सरपंच सरपंच भी तो तुसे लोके चुने दे नो गुजारिश है कि इस चीज का गवर्नर साहब अगे भी गुजारिश है कि इस चीज की पूरी वेरीफिकेशन की जा एक बंदे चोर नहीं बनाया जा क्योंकि असि हर बंदा चोर चोर हाँ जंगल का भी कुछ शामलाड़ भी माड़ी मोटी रोक जाए लेकिन एक चीज ये नहीं गलत इंसाफ नहीं किए जा जो जैसा सरपंच बोलता ऐसा नहीं हुआ मोदी साहब अगे भी यह न्यूज पुजना चाहिए जी जैसे गवर्नर साहब कश भी पुजना चाहिए पंचायत राल वार्ड नंबर 7 च नहीं पूरी पंचायत की इंक्वायरी की जा कि ऐसा कौन बंदा कैसा हो गया क्योंकि इसके कारण असि कुछ भी बोलने का मौका नहीं मिले पूरा ध्यान कन्ने अस गरीबें इस चीज का छुटकारा पाओ जां तां साडी पंचायत डिजर्व कर दियो जड़ा अज इल्जाम दे चंद महीने पहले मेरे राती शराब पीए
एक बजे ने धमकियां दित्तियां तीन बंदे उन्ने दित्ती धमकी तुहानू शराबी जिहदा नाम मनोहर लाल है उत्तम सिंह है और केवल सिंह जिहदे मैं एप्लीकेशन एस पी साहब बाकी इत्थे कठुआ एस एच ओ डी एस पी साहब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट थ्रू ज्वाइंट कमेटी मीटिंग रखी दी जिहदे कारण इन्हें धमकियां दित्तियां मेरे बच्चे घरे परेशान करदे ने ठीक है इत्थे बुलाए फॉरेस्ट साहब टीम मौके पर गई जिस टाइम इन्हें जेसीबी ला दी ही उस रात ही इन्हें ऐसा किया दूए दिन मैं सवेरे फॉरेस्ट साहब जी भी सुनाया ऐसा ऐसा किया इन्हें उ बंदे ने मनोहर लाल जड़ा है ना जड़ा ये है मेन जिसी तहसीलदार साहब ने बोलिया भाई तुम मुलाजमो या जो भी है उसके बाद इन्हें ऐसा ऐसा किया जबरदस्ती परेशान करते हैं और भलिया करिए मेन कारण है सरपंच का इंदा कुसी का कोई कसूर नहीं है कसूर है मेन सरपंच सरपंच ऐसा गरीबे कन्ने ऐसा करता इसकी पूरी छानबीन की जा इंक्वायरी होनी चाहिए नरेगा की भी होनी चाहिए जेडे बंदे दिल्ली बंबे कलकत्ते गुजरात च बैठे ने उनके जॉब कार्ड च पैसे पे जाते हैं साढ़े लोग का के जुड़ में ऐसे के गुनाह तो बोलने का मतलब है कि वो अपने काम बाहर कर रहे हैं लेकिन उनके जेडे महीने महीने पैसे जॉब करते वो फेर दे इस चीज की इंक्वायरी कराना चाहते सर के ना थोड़ा मेरा नाम मुकेश कुमार अच्छा तुसी भी उतरालते दे रहना ले हो जी उसे वार्ड दा वार्ड नंबर 7 दा ये तहसीलदार साहब मौके पर गए थे उस टाइम भी मैं तहसीलदार साहब सर है के मसला की है कूल दा ते एक रास्ता रोके दा बोल दे कि रास्ता रोके दा तो कोई बोल दा कूल बंद की थी है के पूरी गल की है एक्चुअली गल की है कि उठो एक पुराने टाइम भी कूल आंदी ही देसी पासा कूल बोल दे जिसी नहर जड़ी हां जी हां जी वो जंगल दे फॉरेस्ट लैंड दे बीच आई ये आई शुरू हले गया सारे काफी बुजुर्ग टाइम दी जेड़ा कि इस जमीन च पानी लगता हा हुन के होया कि पंचायत दा कुछ पैसा जां जिंजा भी ने लाया उस वेले उस पार्टी जेड़ी दूई पार्टी है ना जेड़े बोले दे रस्ता बंद कीता दा उदी जमीन बिच रस्ता लिता उन्हें बोलिया भाई इसी रस्ता बना दो बिचे तुसी कूल पी उहदे बाद कंटिन्यू जिहड़ा साडा हो जांदा क्लियर उन्हें के काम किया रस्ता बनाया दिता उहदे कारण जेड़ा कि कूल बंद रखी नहीं उन्हें वो चालू की सिर्फ अपना रस्ता बनाया जिहदे कारण सब तो वड्डा रोल है साडे सरपंच साहब का क्योंकि इहदे च एक चीज की इनक्वायरी नहीं होनी चाहिए इस वेले मीडिया च गल पुज्जी दी दुनिया च सुने दी है इहदे साडे गरीबें लोकें ही असे कोई इंसाफ नहीं मिलता क्योंकि इहदे च पार्टी बेस चला दे क्योंकि बोर्ड का सिस्टम देखिए उस हिसाब कन्ने सरपंच काम करया था जिस घर की 50-50 लाख रुपए की कोठी बनी उसी 4 लाख की गली बनी है जिस घर का शामी पानी पीने से गिलास नहीं है उसी कुछ भी नहीं कोई शड नहीं शड अपनी मर्जी दिते अज ऐसे ऐसे शड बन चुके 4 साल पहले दे लोग रिंदे दिल्ली बंबे जलंधर कलकत्ते जम्मू रिंदे अज उत्थे कुत्ते रे लेट तुहाडी इस गल दी असीं इंक्वायरी करांगे कि केड़े बंदे की शड मिली दी और केड़े नहीं मिली दी सरपंच साहब दा मेन रोल है 1 किलोमीटर दे 4-4 पुलियां बना दित्तियां लेकिन कुछ साडे ब्रदर बुजुर्ग इत्थे ऐसे भी हन जिन्हें कोई पुली नहीं है कोई कुछ नहीं है रस्ते नहीं है इस कारण जरा कि सारा मेन सरपंच साहब दा है जॉब कार्ड इंदे मतलब तारिया पूरी भरी चुके दे सब जड़े बंदे बंबे दिल्ली कलकत्ते पलेदारी करते हैं उनके कार्ड च पैसे पी जाते हैं असि लोग जड़े प्रेजेंट मौके और उपर असि ध्याड़ी भी लाने नहीं है लेकिन पैसा कोई नहीं क्यों असें के जुल्म कीता था उद्देश है जां सरपंच साहब कोई मसावी देउड़ो उसी सरपंच अपनी फाइल देउड़ो क्योंकि वो आले नाल बनी जान क्यों कि सर भाई उन्हें यही गलाया तहसीलदार भाई ये रस्ता भाई चल घूमियो तू अपने कितने चा ते तुसे स्कूल है खोलू अच्छा कोई कोई स्कूल दा के मसला उधर कोई स्कूल दा रस्ते दा के मतलब है के ना थोड़ा देखो जी अच्छा के तुसी तरालते तो है जी के बोलना चाहंदे तुसी मैं बोलना चाहंदा मैं बेला सतू है मेरे सड्डा या 2 साल हो है शराब नहीं नहीं पी ओ मैं खेती के बीच ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾਈ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸ ਨੀ ਪੈਸੇ ਨੀ ਦੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੀ ਦੋਏ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੁਛ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਉਹ ਕੋਟੂ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਛੱਡ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਅੱਛਾ ਛੱਡ ਪਾਈ ਤੇ ਨਾਲ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਹਨ ਕਿਸ ਨੇ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਪੋੜ ਛੱਡ ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਚੂੜੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਜੇ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਪਾਇਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚੀਏ ਪਾਇਆ ਔਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਉਹ ਕਿਸ ਨੇ ਲੱਗ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਛੱਡ ਪਾਏ ਦੇ ਛੱਡ ਪਾਇਆ 4 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਮਿਲਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ
ਕੁਰਤੂ ਪਾਲਨੇ ਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਆ ਗਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੈ ਇਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਐਸ ਟੀ ਮਹੱਲਾ ਅੱਗੇ ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਲਾ ਇਹਨੇ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਜਿਸ ਮਹੱਲੇ ਬੁਲੈਰ ਦਿਨ ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਐਸ ਟੀ ਮਹੱਲਾ ਤਰੀ ਘਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵੀ ਪਤਾ ਬਣਾ ਪਟਵਾਰੀ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਰਿਗਾਰਡ ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਉਹ ਮਵੇਸ਼ੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਗਾਣੀ ਗਾਣੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਨਾਲਾ ਉਹ ਨਾਲਾ ਟੱਪੀਏ ਪਾਰ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਗਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੋਟ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੀਕ ਮੋਬਾਇਲ ਸਕੂਲ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਸੀ ਉਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਨੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸੀ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਕੁਛ ਅਭਦਰ ਭਾਸ਼ਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਵੱਕਾ ਕੁਛ ਯੂਜ਼ ਕੋਈ 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 ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ शुक्रिया। अगर आपने अभी तक जो की खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ताजा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkkhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।